आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सगड़ी तहसील क्षेत्र के टीबी प्राइवेट आईटीआई चुनुक पार्क विद्यालय पर संकल्प फाउंडेशन के तत्वाधान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कोरोना काल रोजगार के तमाम अवसरों पर ब्रेक लगा है, इसमें कई की नौकरी जा चुकी है तो कईयों ने स्वरोजगार के अवसर भी खो दिए हैं। इन सब की भरपाई करने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, इसमें कईयों को रोजगार मिला। अधिकारी का कहना है कि इस मेले से युवाओं को मदद मिलेगी और अच्छे अवसर मिलेंगे। सुबह 10 बजे रोजगार मेला का आयोजन शुरू हुआ। रोजगार मेले में कंपनियों के प्रतिनिधियों ने आवेदकों का साक्षात्कार शुरू किया जो दोपहर 3 बजे तक चला। इस दौरान मौके पर पहुंचे भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बीएचयू यादव ने रोजगार मेले की सराहना करते हुए कहा कि जहां एक तरफ पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है, वहीं युवाओं को रोजगार देकर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा प्रधानाचार्य कमलेश राय ने। मेरा नाम कमलेश मौर्य है और ये हमारे प्रबंधक विजय कुमारी पांडे, वाइफ ऑफ अखिलेश पांडे, उनका ये विद्यालय है और यहाँ का मैं प्रधानाचार्य हूँ। ये है जीएनपुर चुनुक पार मोड़, मोहंदाबाद रोड चुनुक पार, जीएनपुर आजमगढ़, और पृथ्वीराज पांडे निजी आईटीआई चुनुक पार जीएनपुर आजमगढ़, और यहाँ का मैं प्रधानाचार्य हूँ। और मेरे एक कारोबार से शैलेश जी और राय सर सभी लोग आए थे और उनके माध्यम से सारा कुछ प्रोसेस किया गया, और उम्मीद ये है कि प्रथम बार ऐसा रहा है कि ज़्यादा मैसेज तो हम लोग नहीं दे पाए। कोशिश आगे रहेगी कि इससे भी अच्छा मतलब प्रोग्रेस करें, और आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी बच्चे हैं हाई स्कूल इंटर आईटीआई जो भी कुछ कर रखे हैं, जो ऐसे करके बैठ के घूम रहे हैं, उनको घूमने ना मतलब ये सिस्टम रहे कि आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट रहें, और हमारा भी इसमें कुछ हमारा भी मतलब ये रहेगा कि इनके माध्यम से ये चीज़ किया गया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।